أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم رواه الامام مسلم محترم هزرات خير الناس كي सिलसिले की एक और कड़ी लेकर मैं आप के सामने हाजिर हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खुश नसीब लोगों को इस फहरिस्त में शामिल फरमाया है उस फहरिस्त में आज हम एक और तबके का तस्करा करने जा रहे हैं नबी सलाम ने इस सिलसिले में जो हदीस बयान फरमाई है वह हदीस हज़रत आऊफिब ने मालिक अशी अल्लाह तू की रवायत करदा है सही मुस्लिम के अंदर है फरमाते हैं कि रसूल अक्रम सरमाया तुम्हारे अपने हुक्मरानों में से सबसे बेहतर हुकुमरान वो हैं जिनसे तुम महब्बत करो और जो तुम से महब्बत करें और जिनके हक़ में तुम दुआ करो जो तुम्हारे हक में दुआ करें सही मुस्लिम की यह रिवायत है बल्कि एक तवील रिवायत का एक टुकड़ा है जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया इस हदीस की रोशनी में पैर नबी अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि जो हुकुमरान होते हैं जाहिर बात है इस्लामी सल्तनत में जो हुक्मरान होगा मुस्लिम हुक्मरान वो इससे सबसे पहले मुराद है और उसकी नियाबत करते हुए जो भी किसी जिम्मेदारी को निभाएगा वो इसी के हुक्म में होगा उसके लिए भी यह हदीस अल्लाह के नबी वसल्लम ने इर्षात फरमाई है और हमारे और आपके जैसे लोग जो किसी मुस्लिम हुक्मरान के मातहत नहीं हैं उन लोगों के लिए अलबत् किसी जिम्मेदार के तहत हम रहते हैं तो फिर उन जिम्मेदारों के लिए यह हदीस है नबी अली सलात वाम ने यह बात बयान फरमाई कहा तुम्हारे हुक्मरानों में से सबसे अच्छे हुक्मरान वो हैं कि जिनसे तुम मोहब्बत करो और जो तुमसे मोहब्बत करें सुबहानल्ला नबी सलासल्लाम ने इस हदीस में जो बात बयान की है वो ये कि अगर कोई हुक्मरान है और हुकुमरान के कायम मुकाम किसी भी जिम्मेदारी पर है जैसे काजी है या फिर किसी इलाके का गवर्नर है या किसी लश्कर फौज का कमांडर है जो इमाम हुकुमरान का नायब नायब बनकर उसकी जिम्मेदारी को निभाता है तो वह अगर सबसे अच्छा बनना चाहे तो अल्लाह ने उसके लिए भी दरवाजा रखा है लेकिन उसके अच्छे बनने के लिए उसे क्या करना होगा उसे वो किरदार अदा करना होगा कि जिसके नतीजे में उसके मातहत उसके हक में दुआ करें और वो भी उन लोगों के हक में दुआ करें आप ये बात याद रखें यह जो एक दूसरे के हक में दुआ करना और एक दूसरे से महब्बत करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर होने का मैार करार दिया है इसके पीछे दरअसल एक हमत छुपी हुई आदमी किसी से महब्बत कब करता है जब उससे कोई फ़ायदा आपका वाबस्ता हो जब आपका उससे कोई फ़ायदा वाबस्ता हो तब आप उससे मोहब्बत करते हैं नबी सलाम की इस हदीस का सीधा पैगाम ये है कि रिआया को चाहिए कि वह अपने हुक्मरान का हक अदा करें यानी उसके सब अवात को लाजिम पकड़े रहें उनके फर्मा बरदार बने रहें इस्लामी शरीयत ने यह बात सिखाई बतलाई है कि रियाया पर यह वाजिब है कि वह अपने हुक्मरान की समाता करें और पर वाजिब है कि वह अपने रियाया के हुकूक अदा करे अब ये दो तरफा मामला चलते रहेंगे तो क्या होगा लाजिमी तौर पर मोहब्बत का जज्बा खुद ब खुद पैदा होगा मैं जरा इस मसले की तफसील आपके सामने रख देता हूं रियाया पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने हुकुमरान की इतात फरमा बरदारी करें नबी वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई है कि अगर हुक्मरान अल्लाह ताला की शरीयत की अल्लाह ताला की मुखालफत का हुक्म दे तो वो उसकी वो बात नहीं सुनी जाएगी लेकिन उसके अलावा कोई और हुम दे तो उसकी इतात फर्ज है और अगर वो अल्लाह ताला की मुखालफत करने का हुक्म देता है तो उस मसले को छोड़कर बकिया मामलात में यह रिया पर फर्ज है कि वो अपने हुकुमरान की इतात करें रियाया पर फर्ज है कि वो अपने हुक्मरान की इतायत करें। और दूसरी तरफ हुकुमरान पर ये फर्ज है कि वो अपने रियाया के हुकूक अदा करे उनके हकूक इस्लामी शरीय को नाफिज करें लोगों की जानो माल इज्जत आबरू और उनके अपने जो हकूक क्मरान पर हैं या लोग अगर अवा में से कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं उनको छीनने न देकर उनके हुकूक की हिफाजत करें यह हुक्मरान की जिम्मेदारी बनती है सादा से अल्फाज में अगर हम कहें तो इस्लामी शरीयत ये बताती है कि सबसे अच्छा हुक्मरान वो हुक्मरान है जो हुकूक बराबर अदा करता है जिसकी रियाया उसके हुकूक अदा करते हैं जिसके नतीजे में हुकुमरान अपनी रियाया के हक हाँ में दुआ करता है रियाया अपने हुक्मरान के हक़ हाँ में दुआ करती है ऐसे हुक्मरान सबसे अच्छे हुकुमरान हमारे जमाने में इस मामले में दो तरफा एक किस्म का गलू है इफरात तफरीत एक तरफ तो ऐसे बहुत सारे हुकुमरान मुसल्लत हैं जो अपनी रियाया के हुकूक अदा करने के मामले में कोताही करते हैं या उन पर म ज़बरदस्ती भी करते हैं तो दूसरी तरफ ऐसी रियाया भी है जो अपने हुक्मरान के सिलसिले में सिवाय गलत अल्फाज के और कुछ अपनी जबान से नहीं निकाल सकते ऐसे दोनों लोगों को ये तालीमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखनी चाहिए माईशा सिद्दीक की रिवायत सबसे पहले ऐसे हुक्मरानों के सिलसिले में नकल करते हैं प्यारे नबी स हज़रत आयशा सिद्दीक रदील्ह तहा रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा फरमाती हैं कि मिस्र से कुछ लोग हजरत आयशा से मुलाकात के लिए आए हजरत आयशा के भाई हज़रत अब्दुलरम इबन अबी बकर का कत्ल वहाँ के गवर्नर ने कर दिया था फितरों के ज़माने के वाकियात का वह भी एक नतीजा था कि हजरत अब्दुलरहमान इबन अबी बकर मिस्र के गवर्नर के हाथों कत्ल कर दिए गए थे हजरत आयशा सिद्दीक़ार्ला तह ने पूछा कि तुम्हारा गवर्नर कैसा है तो लोगों ने खूब तारीफ की कहा कि हम में से किसी आदमी का जानवर खो जाता है वो दूसरा जानवर फराहम कर देता है हमारी जरूरतों को हमारे पूछने से पहले पूरा कर देता है माई आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तहा ने कहा कि देखो उस गवर्नर ने मेरे भाई के साथ जो मामला किया उस मामले के बावजूद वो मामला मुझे यह हकीकत बयान करने से रोक नहीं सकता कि मैंने नबी अली सलात सलाम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तला जो कोई मेरी उम्मत के मामलात में से किसी मामले का ज़िम्मेदार होता है फिर उन पर नरमी करता है अल्लाह ताला ऐसे हुरान के साथ तू भी नरमी का मामला कर और जो कोई मेरी उम्मत के मामलात में से किसी मामले का ज़िम्मेदार बनता है और उम्मत को मशक्कत में डालता है अल्लाह अःल्ला तू भी उसे मशक्क़त में डाल दे प्यारे नबी सल्ला वसलम की बयान कर इस हकीकत को हुक्मरान जो जिम्मेदार है उनको याद रखना चाहिए और दूसरी तरफ रियाया को याद रखना चाहिए कि इस्लामी शरीयत ये कहती है कि आप पर सम औतात वाजिब है घर चे वो गया गुजरा किस्म का हो। लेकिन जब तक वो ताला की नाफरमानी का हुक्म ना दे आपका उनके साथ मामला होना चाहिए सम औतात करें और आप उसके हक हाँ में दुआ करें सुबहानल्ला आज हमारे समाज का फैशन है मुस्लिम हुक्मरानों को गालियां देना लेकिन सुन्नत के मुताबिक इन के के दुरुस्त होने सुधरने के लिए दुआ करना भी लोग नहीं जानते हमारे समाज की कितनी बड़ी बुराई है कितना बड़ा खलल है इमाम अहमद बिन रहमतुल्लाह रहा और सलफ सालीन में से एक से ज्यादा से यह बात मरवी है वो कहा करते थे अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी एक ही दुआ कबूल होगी तो वह दुआ में हुक्मरान के हक में करूंगा कि अल्लाह ताला उसे सुधार दे इसलिए कि उसके सुधरने से पूरा समाज सुधर जाता है सुबह अल्लाह इस्लामी शरीयत आपको सिखाती है बुरे हुक्मरान के हक में बुरा भला कहने से के बजाय उसके हक में दुआ करें कि आप उसके हक में दुआ करेंगे तो आपकी दुआ से वो सुधर सकता है ये नबीलाम का सिखाया हुआ अदब है हाजी ने ये बात हुई मुस्लिम हुक्मरान या उसके नाइबीन की लेकिन यही तालीमात हम और आपको यह भी सिखाती हैं कि हम जिनको अपना जिम्मेदार बना लेते हैं जैसे किसी कमेटी का जिम्मेदार किसी मस्जिद का जिम्मेदार किसी जमात जमीयत का जिम्मेदार याद रखें बुनियादी मसला ये हुक्मरान ये मुस्लिम हुक्मरान के नाइबीन नहीं ये मुस्लिम हुकुमरान के नाइबीन नहीं, नहीं उनके कायम मुकाम नहीं उनके अहकाम इन पर हु बहू लागू नहीं होते लेकिन उनके सिलसिले में आई हुई जो अखलाकी तालीमत हैं उन अखलाकी तालीमत का का को इन पर भी लागू किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि यहां भी जिम्मेदार अच्छे वही हैं जो रियाया का उन जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा करें जो जिम्मेदारियां रियाया की वो लेते हैं मस्जिद का जिम्मेदार मस्जिद की देखभाल सही करे जमात का ज़िम्मेदार जमातों की देखभाल सही करे किसी कमेटी का कम्युनिटी का ज़िम्मेदार उसके मामलों का की सही देखभाल करे और आवाम भी उनके मातहतीन भी अच्छे वही हैं जो उनके मुआविन और मददगार बने और उनके हक़ में दुआ करें हमारी तरफ फसाद दो तरफा जिम्मेदार जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं करता और मातेदीन जिम्मेदारों के हक में कभी मददगार बनने का सोचते नहीं जबान खुलती है तो उनके हक में बुरा भला कहते खैर उन्नास बहने बनने का ये तरीका नहीं है दो तरफा कोशिश होनी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अदा करें हम और आप उनके माविन और मददगार बने और उनके हक़ में दुआ करें यह हमारे और आपके समाज के अंदर होना चाहिए आज आप हजरा और खुतिन के सामने खैर उन्नास के सिलसिले की इस अहम कड़ी को का जिक्र करके मैं जो बात याद दिलाना चाहता हूं वो ये कि जो हुक्मरान या जिम्मेदार बने हैं उनको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और जो हम मातहतीन हैं हम उनके ताबे हमको भी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम में से हर एक अपना किरदार निभाए खलल दोनों तरफ है अगर हम सिर्फ खलल की शिकायत करते रहेंगे ना हम खैरनास बन पाएंगे ना कोई मामला सुधर पाएगा लेकिन हम एक दूसरे को, को संभाल कर अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा होगा ये कि हमारे और आपके मामला सुधरते जाएंगे हम खैर उन्नास में जगह पाने लगेंगे बल्कि इस्लाम तो हम और आपको यह सिखाता है अगर वो अपना हक अदा ना भी करें तो आप कम अज कम अपना हक अदा करते चले जाए साहबा ने नबी अली से एक हदीस सुनी अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसे होगा तुम्हारा हाल जब तुम पर ऐसे और ऐसे उमरा मुसलत होंगे जो नमाज को मुर्दा कर देंगे वगैरह अल्लाह के नबी ने बुरे हुक्मरानों का तस्करा किया साबा ने अल्लाह के नबी से पूछा अल्लाह के नबी ऐसे हाल में आप हमें क्या हुक्म देते हैं अल्लाह के नबी ने कहा अगर वह तुम्हारा हक मारते हो तुम उनका हक ना मारो तुम अपना हक अदा कर दो तुम पर जो हक वाजिब है वो हक अदा कर दो सम समाद का खैर काही का उनके हक में दुआ करने का तुम अपना हक अदा कर दो और जो हक तुम्हारा तुम्हें नहीं मिल रहा है वो अल्लाह ताला से दुआ करो मांगो अल्लाह के नबी ने कहा ये भी नहीं कि उसका इंतजार करो कि वो अच्छा होगा तभी हम अच्छे बनेंगे नहीं आप अपना अच्छा किरदार अदा कर दें आप अपने आप को सुधार लें संवार लें इस्लामी शरीयत आपको इस बात का हुक्म देती है इस हदीस ने हमारे सामने इस बात का हुक्म रखा है कि अगर हम जिम्मेदार हैं, हुक्मरान हैं तो हम सबसे अच्छे अगर बनना चाहते हैं तो वो माहौल होना चाहिए जहां दो तरफा हकूक़ अदा हो जिसके नतीजे में दो तरफा महब्बत का भी तबादला हो दो तरफा दुआ का भी तबादला हो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तमें बाम महब्बत करने वाला भी बनाए और बाहम एक दूसरे के हक़ हाँ में दुआ करने वाला भी बनाए अमीन व आखिर रबालमी वालकम वरम् वक्त